तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो बताया था कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, आपके व्यूज आने बंद क्यों हो जाते हैं, आप रील तो अपलोड करते हो बट आपको व्यूज नहीं मिलते। तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने इंस्टाग्राम आईडी को अनफ्रीज कर सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तो आप ये डिसीजन ले लोगे कि आप अभी के टाइम में जो इंस्टाग्राम आईडी यूज कर रहे हो, क्या आपको वो आईडी यूज करनी चाहिए या नहीं, या आप उस पर फालतू में मेहनत कर रहे हो। तो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं आपको जो 5 बातें बताने वाला हूं, आपको क्या करना है, इनको अवॉइड करना है। ये मिस्टेक आपको अपनी आईडी पर नहीं करनी है। अब देखो, जो फेक फॉलोअर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहले जो फेक फॉलोअर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जहां पे आपको अपना इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तब आपको कुछ फॉलोअर्स मिल जाएंगे। उन एप्लीकेशन में कुछ कंडीशंस होती है कि आपको ये फॉलो करना है, यहां पे क्लिक करना है, तब आपको 1000 फॉलोअर्स एक दिन में मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। बट आपको वहां पे इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा तब आपको मिलेंगे। तो पहली ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। दूसरी, काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जहां पे आपको ये बोला जाता है कि अपना इंस्टाग्राम आईडी एंटर करो एंड पासवर्ड एंटर करो। अगर आपने कर दिया तो आपको फॉलोअर्स तो मिल जाएंगे, लिटरली आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं, बट उन फॉलोअर्स का कोई फायदा नहीं होता। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो समझ जाता है कि आप फेक फॉलोअर्स इंक्रीज कर रहे हो, उससे कोई भी फायदा नहीं है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब अनफ्रीज कैसे होगा, आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भी अपने इंस्टाग्राम पे ट्राई ना करें। अब आप में से काफी सारे लोग मेरे पास कमेंट करेंगे कि क्या जुन्नू भाई पैनल का यूज करके हम फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा सकते हो, बिकॉज वहां पे आप अपना आईडी वगैरह लॉगिन नहीं करते। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म तक चलना है, मतलब आपको लंबे समय तक खुद का दिखाकर, मतलब कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूं, मेरे अंदर टैलेंट है, तो आपको पैनल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बता रहा हूं मैं आपको। तो अब चलते हैं सेकंड मिस्टेक की ओर। आप में से काफी सारे लोग करते हैं, और मैं आपको सच बताऊं, मेरे जो चैनल पर जो एक ट्रिक बताया था मैंने आपको कि इंस्टाग्राम पर जेन्युइन तरीके से फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, तो मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, आज भी 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, 7 मिलियन होने वाले हैं। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि फॉलो अनफॉलो, आपको एक दिन में 40 से 50 बंदों को फॉलो अनफॉलो करना है, इससे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाते हैं। एंड मैंने आपको लाइव दिखाया भी था। बट आप में से काफी सारे लोग को क्या करते हैं कि फॉलोवर्स ज्यादा इंक्रीज करने के लिए एक दिन में कम से कम 500 बंदों को फॉलो करते हैं, 500 को अनफॉलो कर देते हैं। काफी सारे एप्लीकेशन ऐसे आते हैं जो एक क्लिक में आप सबको अनफॉलो कर सकते हो, अपनी फॉलोइंग को जीरो कर सकते हो, वहां पे अपना आईडी पासवर्ड एंटर करके बैठ जाते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप 40 से 50 बंदों को रोज फॉलो करो, उसके बाद अनफॉलो करो, जितने फॉलोअर्स बढ़ने होंगे बढ़ जाएंगे। बट भाई इनवैलिड एक्टिविटी मत करो, इतने ज्यादा फॉलो अनफॉलो मत करो कि जिससे कि आपका ये आईडी बैन हो जाए। और मानते नहीं हो भाई आप लोग, सबसे गलत बात तो आपकी ये है कि फॉलो अनफॉलो करते रहते हो, जब भी टाइम मिला तभी करते रहोगे, इससे आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। जो आप इंस्टाग्राम आईडी यूज कर रहे हो ना, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम होता है उसको पता चल जाता है कि आप इनवैलिड एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका ये इंस्टाग्राम अकाउंट भी टर्मिनेट कर दिया जाता है, परमानेंट डिसेबल कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ये एक्टिविटी दोबारा नहीं करनी है, बहुत ज्यादा आपको नहीं करनी है, तो ये भी आप अवॉइड करो। थर्ड, आप इरेगुलर हो जाते हो। मान लो आपने अपने दिल में ठान लिया कि बस अब तो रोज वीडियो डालूंगा, चाहे एक वीडियो डालू चाहे दो वीडियो डालू। और आप में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 3 से 4 वीडियो हर हाल में डालते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाते हैं। 1 महीने के लिए कोई वीडियो नहीं आया, 1 महीने तक, 2 महीने हो गए वीडियो नहीं आया, 15 दिनों तक एक भी वीडियो नहीं डाला। तो इस तरीके से भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो अनफ्रीज करने के लिए आपको रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको अगर YouTube का ही एग्जांपल दूं, यार YouTube का छोड़ो, Instagram का ही देता हूं। मैं कभी कभी Instagram पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता हूं, स्टोरी डालता रहता हूं, पोस्ट करता रहता हूं, रील्स डालता रहता हूं, और मेरा यूजर नेम है अरमान जुनेद, आप फॉलो कर लेना। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मैंने नोटिस किया है जैसे ही मैं Instagram पर रेगुलर हो जाता हूं तो रीच इंक्रीज हो जाती है, लोग ज्यादा विजिट करना शुरू कर देते हैं, लाइक्स फॉलोअर्स
रोज इंक्रीज होते हैं। तो आप लोग अगर इरेगुलर हो जाओगे तो कुछ महीनों के लिए इरेगुलर हो जाओगे, तो इस तरीके से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो इसको अवॉइड करो। फोर्थ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गलती इंस्टाग्राम पर भूल कर भी मत करना, इंस्टाग्राम मैसेजेस में भी ये गलती मत कर देना। सपोज कोई बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा सा बच्चा है, आप उसके पूरा नंगा है वो, ठीक है, उसने कुछ नहीं पहना हुआ है, आप उसकी वीडियो डालते हो रील्स पर, तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंट डायरेक्ट टर्मिनेट भी हो सकता है। और हाँ, अगर टर्मिनेट ना हुआ तो आपको एक बार वार्निंग मिल जाती है कि आगे से ये मिस्टेक ना करें। तो भाई आपको क्या करना है कि दोबारा से वो गलती नहीं करनी है। और आपको लाइक्स व्यूज आपको भर भर के मिलेंगे, जो गंदे वीडियोस होते हैं उनमें भर भर के व्यूज मिलते हैं इंस्टाग्राम पर, बिकॉज उसको वीडियो को बार बार देखा जाता है। आप किसी लड़की का वैसा वीडियो डाल दोगे ना, तो आपको आपका या तो डायरेक्ट अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा या आपको वार्निंग मिलेगी। अगर ज्यादा अश्लील वीडियो डाल दोगे तो डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाता है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। तो अगर आप थोड़ा बहुत वैसा वीडियो डाल देते हो, पूरा नंगा है, किसी के पास मैसेज में शेयर कर रहे हो या आप रील पे डाल रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, तो इससे आपका अकाउंट भाई फ्रीज हो जाता है। तो ये गलती मत करो। मान लो कोई आपका ही बच्चा है या आपके रिलेटिव्स में से है, पूरा नंगा पड़ा हुआ है, उसका वीडियो बना के डाल दिया, तो ये गलती मत करना कभी भी, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा, एक झटके में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करना है। इंस्टाग्राम की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है आप उसको रीड कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप आसानी से रीड कर सकते हो जाकर। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप उल्टा सीधा कॉन्टेंट डालते हो या ऐसा कॉन्टेंट डालते हो जो उन वाली वेबसाइट्स पर मिलता है जो आप रात को देखते हो, मतलब समझो यार मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो सब इंस्टाग्राम रील पर नहीं चलेगा। हाँ, चल भी जाएगा, मिलियंस में व्यूज भी मिल जाएंगे, बट कुछ टाइम के बाद आपका अकाउंट उड़ा दिया जाएगा या आपका रील वीडियो। तो अब चलते हैं फिफ्थ मिस्टेक की ओर, इनवैलिड एक्टिविटी। आप में से काफी सारे लोग करते हैं, और मैं भी करता था, बट अब नहीं करता मैं, बिकॉज अब मेरे को पता चल चुका है, अपनी वीडियो को एक बार अपलोड करने के बाद दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे, चार बार देखेंगे, चलो इतना चल जाता है, पांच बार देखेंगे, कोई दोस्त आएगा, ले भाई मैंने रील वीडियो डाला है, ले देख, उसके मोबाइल में देखेंगे, अपने मोबाइल में देखेंगे, ले भाई एक बार और देख, अपनी वीडियो को बार बार देखते रहेंगे, कितने लाइक्स आ गए, क्लिक करके देखते रहेंगे। भाई इंस्टाग्राम ने एक सेपरेट नोटिफिकेशन, आप फिल्टर क्लिक करके कमेंट भी देख सकते हो, कमेंट कौन कौन कर रहा है, टैग एंड मेंशन कौन कर रहा है, लाइक कौन कर रहा है, मतलब आप लोग फिल्टर करके देख सकते हो कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन नहीं, आपको रील पे जाकर उसी वीडियो पर क्लिक करके दिखाना है, देख इतने लाइक आ गए, ओ इतने कमेंट आ गए, ओ मेरे साउंड पे कितने लोगों ने वीडियो बनाया, बार बार चेक नहीं करना है, ये इनवैलिड एक्टिविटी होता है। एक बार वीडियो को डाल दिया, एक दो बार देख लिया, बस बात खत्म। तो मैंने आपको जो ये मिस्टेक्स बताई इनको अवॉइड करो, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा। 20 से 25 दिन ट्राई करके देखो, एंड अगर आपने ऑलरेडी कांड कर दिया जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और आप काफी मेहनत कर रहे हो, अच्छे से अच्छा रील वीडियो आपने डाल लिया, तो आप अलग अकाउंट बना सकते हो। तो अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट दूसरा बनाना चाहिए या नहीं, आप लोग खुद डिसीजन लो, मैंने आपको मिस्टेक्स बता दी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अब चलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, एंड बाय बाय।